morning and welcome. Unit 2 section 1 हम लोगों ने complete कर लिया. Question answer भी हो गया book का. Reading 1 and reading 2. All questions are completed. You have to complete. Sub question answer I have written on your PDF. On the basis of the answer you have to write your own answer. Okay? ज्यादा अच्छा होगा. आपको हम सिखाते हैं कि आंसर ऐसे लिखा होता है, लेकिन आप अगर खुद का लिखते हैं क्लास में भी बताए हैं, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिखना है. ओवरऑल लिखने बोलने या समझने का काम आपको खुद करना है, दूसरे तो करेंगे नहीं. तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो इस एबिलिटी को हमको डेवलप करना है, ठीक है ना. तो रीडिंग वन में आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया और भी ऊपर कुछ है, टिक वाला बताए थे आपको. और गिव रीजन, रीजन देना है. क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 41. गिव रीजंस टू शो दैट नेचर लाइक अ मदर इज. किस किस चीज में वो मदर की तरह है, एक्टिव में, एक्टिवनेस में, स्ट्रांगनेस में, इंटरेस्टिंग, कैसे वो इंटरेस्टिंग है. तो ये दो तीन सेंटेंस का स्पेस है, बहुत अच्छे से लिखोगे को कंप्लीट कर लेना. और तो आ जाओ पेज 42 वोकैबुलरी, है ना. इसमें सिनोनिम्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है. एक ऑयस्टर के ऊपर पर्ल मोती जो होता है, प्योर मोती जो कि लिविंग थिंग्स ही उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं समुद्र के अंदर, तो उसके बारे में ये कहानी दी हुई है कैसे पर्ल का जन्म होता है. इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पेज 43 में आपके लिए कुछ वर्ड्स दिए, 10 वर्ड्स. देयर आर 10 वर्ड्स. यू हैव टू राइट सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज गिवन इन द पेज 42. ओके, पेज 42 में जो पैसेज है उसमें से आपको इसका सिमिली खोजना है, सिनोनिम्स. ओके, जैसे एनोइंग, तो आप देखिए थर्ड लाइन में इरिटेटिंग लिखा हुआ, वो आपका सिनोनिम्स हुआ एनोइंग का, तो आप इरिटेटिंग लिखिएगा. ठीक है, इसके बाद सारा वर्ड इसमें है, आप सिनोनिम्स सर्च करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस बॉक्स को. ठीक है, अब ग्रामर सेक्शन में आ जाओ. पेज 43 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एज फॉर एग्जाम्पल आई नो अ लिटिल स्कॉटिश गर्ल, दिस इज अ सेंटेंस. I know a little Scottish girl. तो इसमें हमको ढूंढना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. जो सेंटेंस में डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब उसके द्वारा डन होता है, किया जाता है, वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है. तो इस सेंटेंस में आई जो है पार्ट वन वो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट हुआ नो अ लिटिल स्कॉटिश गर्ल. इसको बहुत अच्छे से इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है. डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटेंसेज आ गया है पेज नंबर 44. डिवाइड इच सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसको आपको डिवाइड कर देना है. सब्जेक्ट कभी कभी लास्ट में भी होता है, सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है. और 1, 2, 3 वर्ड्स का भी होता है, कभी 1 का, कभी 2 और 3 वर्ड्स का भी सब्जेक्ट होता है. ठीक है, अब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये आप लोगों को अब हम बताएंगे ग्रामर में, लेकिन इतना जान लो शॉर्ट में, शॉर्ट सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला होता है, ठीक है, तो उसका एग्रीमेंट, उसकी सहमति. अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, तो वो अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, ऐसा एग्रीमेंट होता है. ठीक है ना, इसके रूल्स होते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नाउन का प्लूरल बनाना है तो आप उसमें ऐड करते हो एस, है ना, जैसे चेयर में चेयर्स. बट अगर वर्ब का आपको प्लूरल बनाना है आपको एस रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, वॉक्स, अगर आपने वॉक वर्ब में एस लगाया तो उसका चलना होता है वो सिंगुलर फॉर्म में, और जब आपको उसका प्लूरल करना है तो आपको एस रिमूव करके वॉक लिखना पड़ेगा. ठीक है ना, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से समझाया है. और यू हैव टू फिल द ब्लैंक,
below in what in page 44, a competent team of marine archaeologists have. आप जब रूल पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि collective noun के साथ हमेशा singular verb use होता है, तो इसमें आप has/have लिखा है, have use कीजिएगा, ठीक है? ये भी आपसे बहुत अच्छे से complete हो जाएगा सारा subject word writing में। इसके बाद page 45 spelling में है, spelling आपको suffix add करके कुछ words बनाने हैं, ठीक है? जैसे कभी कभी रूट वर्ड में ER, OR यूज करके हम वर्ड बनाते हैं, और कभी कभी रूट वर्ड का कोई मीनिंग नहीं रहता तो भी हम कुछ लेटर ऐड करके, सफिक्स ऐड करके वर्ड फ्रेमिंग करते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया है लॉग प्लस ER, लॉगर, इसमें हमने क्या ऐड किया, जी ऐड किया ना, वल्गर, फिर है गनर, माइनर, ऐसे ही नीचे वर्ड करने के लिए दिया गया है। आप यूज कीजिएगा पेंट में ईआर, पेंटर, माउंटेनियर, हिस्टोरिकल, अलग अलग ढंग से सफिक्स यूज करना है और आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? आप सेंटेंस भी बनाना सीखिए, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेंटेंस अफर्मेटिव का बनाते हैं, आई कैन रीड, ठीक है? आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। नेगेटिव बनाइए इसका, आई कैन रीड, इंट्रोगेटिव बनाइए, कैन आई रीड, ओके। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस सोचिए और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्रेम कीजिए, तो आप में आपको ये पावर मिल जाएगा कुछ सेंटेंस लिखने का, फिर उसको बोलने का। तो ये करने से होगा, आपको खुद से करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।